बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत खान आज आपको जीएसटी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं या समझाने जा रहे हैं। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स सर्विस टैक्स होता है। ये माल को ख़रीदने और बेचने दोनों पर लगता है। ख़रीदते समय हम जीएसटी का रेट कस्टमर को जो ख़रीद रहे होते हैं दुकानदार को देते हैं, और बेचते समय हम कस्टमर से वो जीएसटी का रेट लेते हैं। जीएसटी जो होता है वो जब मान लीजिए कुछ 100 रुपये की हमने ख़रीदा, उस पर 5%, 12%, 18 और 28% ये जिसके कर दर होते हैं, तो जो ये हमारे ख़रीदते हैं जो ये टैक्स या कर के रूप में जो रुपये अतिरिक्त उसको देते हैं दुकानदार को ख़रीदते वक्त में, तो उस राशि को जो है जीएसटी के नाम से जानते हैं। जीएसटी एक रेट ऐसा होता है कि जो हम जो जीएसटी का पे करते हैं उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को दोनों आधा आधा जीएसटी को बांटते हैं। मान लीजिए हमने 5% जीएसटी दिया, इसका 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 2.5% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो जीएसटी जो होता है ये ख़रीदने और बेचने पे दिया जाता है, और जो भी कस्टमर से जो ले लेता है दुकानदार ये अपने पास रखता नहीं है, इसको गवर्नमेंट के खाते में जमा करता है और इसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। इसकी कुछ कर दर होती हैं, जैसे कर दर समझ लिया जाए कि जैसे 5% पके हुए सामान के ऊपर जीएसटी का टैक्स लगता है, और एक होता है 12% ये कच्चे खाने पीने के सामान के ऊपर लगता है। उसके बाद 18% जब हम 1 लाख रुपये से कम चीज़ों को ख़रीदते हैं तो उस पर लगता है जीएसटी का, और 28% जब 1 लाख रुपये से अधिक का महंगा सामान ख़रीदते हैं तो उस पर 28% जीएसटी का टैक्स लगता है। तो अगर हमने 5% दिया यानी पके हुए माल को, अब पका हुआ माल कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट गए, वहाँ हमने कुछ खाया पिया और जो उसका लास्ट टाइम जो हमने खाया पिया जो बिल बना हमारा, तो जो उस पर टैक्स चल रहा है तो वो हमारे पके हुए माल के ऊपर 5% जीएसटी का टैक्स लगना है। और कच्चा जैसे मान लीजिए हमने एक रजिस्टर्ड आटा खाया, जैसे आशीर्वाद आटा या रिफाइंड ऑयल्स हमने जो रजिस्टर्ड जो ब्रांडेड खाते हैं उस पर 12%। 1 लाख रुपये से कम जैसे मान लीजिए हमने कोई फ़ोन्स ख़रीदे, या हमने कोई 1 लाख रुपये से कम मोबाइल ख़रीदा, हमने कोई अपाचे पल्सर जो 1 लाख रुपये से कम माल बैठता है कुछ भी ख़रीदी, तो उस पर 18%। और जो 1 लाख रुपये से अधिक जैसे कार ख़रीदा है, कुछ आईफोन से कुछ परचेज़ किया, तो उस पर हम 28% लगाएंगे। तो ये इसकी कर दर हो गई। जीएसटी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसको कंपनी बनाते हैं, इसके बारे में भी आपको समझाने जा रहे हैं। कंपनी बनाते हैं, उसके बाद लेज़र हम आर्ट बनाते हैं। कंपनी बनने से के बाद में और लेज़र बनने से पहले हम एक लेवन दबाते हैं ताकि टैक्स में एक्टिव हो जाए। उसके बाद इन्वेंट्री बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर वाउचर है, और फिर इसका जो हम जीएसटी के नाम का जो पैसा हम ले लेते हैं और अपने पास में जो सेव हो जाता है, इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कैसे पे करना है इसको हम दिखाने जा रहे हैं आपको। इसे कहते हैं रिटर्न भरना। तो रिटर्न भरना होगा ये भी आपको आज ही इसको समझा दिया जाएगा, और साथ साथ इसके अंदर बिल्स कैसे बनते हैं। हमेशा हम लोग कस्टमर को सेल्स के बिल देते हैं, तो सेल्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि बिल्स कैसे जनरेट किए जाते हैं, बिल कैसे इसको जो है प्रिंट आउट कर सकते हैं, कस्टमर को दिया जाए। तो ये है, इसको आप आगे देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं उम्मीद करूँगा जितना बेहतर हो पाएगा आपको समझाएंगे। थैंक यू। तो आपका स्वागत है। आपको हम कंप्यूटर पे जीएसटी कैसे फॉलो करते हैं, कैसे जीएसटी के लेज़र, वाउचर, इन्वेंट्री और कैसे बिल्स बनते हैं, इसको हम समझाने जा रहे हैं। तो इस समय हमारे पास टैली का सॉफ्टवेयर ERP 9 खुला हुआ मेरे सामने है, और इस समय जो दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली। इसके अंदर जीएसटी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कंपनी बनाते हैं, तो हमारे उल्टे हाथ तरफ कंपनी इंफॉर्मेशन लिखा होता है, क्रिएट कंपनी, इस पर हम एंटर मारते हैं। इसके अंदर जिस नाम की हमको कंपनी बनानी होती है वो यहाँ नाम टाइप करते हैं, जैसे मैंने फिरदौस कंप्यूटर FIRDOUS फिरदौस कंप्यूटर। आगे हम GST भी लिखते हैं ताकि हम GST को ऑपरेट कर रहे हैं। GST इंटर जो मेरा एड्रेस है मिर्दही टोला सीतापुर। आगे बढ़ते हैं, इंडिया रखा है कंट्री और स्टेट उत्तर प्रदेश रखा मैंने। अपना पिन कोड 261001 लिखा है, 261001।
इंटर। उसके बाद टेलीफोन नंबर रखा था 94-15-78-57-02, ये फ़ोन नंबर रखा और कंटिन्यूसली इसको स्वीकार कर दिया। यहाँ पे लिखा होता है फाइनेंशियल ईयर्स यानी वित्तीय वर्ष, यहाँ पास आपको 1/4/2021 ही अपना होता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग नया साल 1 जनवरी को मनाते हैं, ऐसे बैंकों का नया साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। इसे फाइनेंशियल ईयर्स के नाम से जानते हैं और इसको हिंदी में वित्तीय वर्ष के नाम से भी जानते हैं। इस पूरी कंपनी को उसको स्वीकार कर लेंगे या हमने एक्सेप्ट कर लिया तो ये फिरदौस कंप्यूटर GST नाम की कंपनी हमारी बन गई। इसके बाद कंपनी बनने के बाद जो अगली स्टेप इसमें उठाई जाती है, तो पहले हम इस कंपनी बनने के बाद में एक कन्फिगर फीचर्स लिखा होता है। फीचर्स माने विशेषताएं, गुण, स्पेशलिटी। F11 दबाते हैं इसको, टेक्सचर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर फिर दोस्त कंप्यूटर वाले ऑप्शन में GST एक्टिव करना है, इस पर एंटर मार देंगे हम। इसके अंदर GST जहाँ लिखा होगा इसको यस कर दिया जाएगा, यस, और इस पूरी कंपनी को इसको हमने आखिर तक स्वीकार कर लिया। अब इसके अंदर GST ऑप्शन एक्टिव हो चुका है, यानी कि इसके अंदर हम GST वाला काम सारा कर सकते हैं। थोड़ा सा बाहर निकलाते इसको है, मेन गेटवे ऑफ टेली के पास फिर पहुँच गए हैं। इसके अंदर हम अकाउंट इन्फो पे लेज़र माने खाता और क्रिएट के माने बनाना। थर्ड स्टेप आ रही है कि इसमें लेज़र कैसे बनाएंगे, तो इसमें 8 लेज़र बनने हैं। जैसे बनना है परचेज का, PURCHASE, ये अंदर जाता है परचेज के, परचेज अकाउंट के, तो परचेज अंडर परचेज अकाउंट के। यहाँ पे GST डिटेल को हमें यहाँ पर यस कर दिया जाएगा, इंटर मार दिया जाएगा। यहाँ पास में हम जब एक नई विंडो उजाड़ आएगी सामने कि लेज़र की डिटेल भरना है, तो हमने परचेज टैक्सेबल ऑप्शन पर को एक्टिव कर दिया जाएगा, यानी इसको परचेज टैक्सेबल लगा दिया। यहाँ पास 2 ऑप्शन खुल रहे हैं, अगर इसमें यहाँ पर F12 दबाते हैं हम और शो ऑल GST टैक्स टाइप इसको यस कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर इसमें 4 ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें 18% लिखा जाएगा, हम इससे पहले बोल चुके हैं कि 5% किस पे लगाते हैं, हम इसे बोल दें 5% पके हुए सामान पे लगाते हैं। इसके बाद 12% बोल चुके हैं, ये जो कच्चा सामान खाने पीने का होता है उस पर लगाते हैं। 18 1 लाख रुपये से कम अधिक वस्तुएं खरीदने पर लगाते हैं, और 28 1 लाख से अधिक की वस्तुएं खरीदने पर लगाते हैं। उसके बाद में हमने ये 18% हम लगाया टैक्स, आप चाहें जो टैक्स से लगा सकते हैं। इसको जो है हमने गुड्स ऑप्शन लगाया और ये हमने इसको स्वीकार कर लिया, तो ये परचेज का लेज़र बन चुका है। सेम तरीका सेल का भी लेज़र बनना ऐसे है, जैसे हमने सेल अंडर गोज टू सेल में जाता है और यहाँ भी ऑप्शन यस कर दिया जाएगा। सेल को भी टैक्सेबल ऑप्शन दिखा दिया जाएगा, इस बार वो 18% को ऑलरेडी एक्टिव ऑप्शन है, तो नौ दो भागों में बांट दिया जाएगा, और नौ दो भागों में मतलब बोला जाए तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को नौ बांट दिया जाएगा, और 18% टैक्स लगा रहे हैं और गुड्स एंड स्वीकार कर लिया। तो ये परचेज और सेल दो लेज़र बन चुके हैं। इसके बाद हमें इनपुट CGST इसका लेज़र बनाएंगे, ये अंडर दिखाया जाता है ड्यूटी एंड टैक्सेस के, ये हमें ड्यूटी एंड टैक्सेस दिखा मैंने, और हमने GST ऑप्शन लगाया और इनपुट CGST बोला जाए तो ये सेंट्रल टैक्स होता है, इसको हमने इसको स्वीकार कर लिया। फिर इनपुट SGST, ये भी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस के एंड GST, अब S तो ये स्टेट टैक्स हो रहा है, और इसको भी हमने स्वीकार कर लिया। मेरे इसमें 4 लेज़र बन चुके हैं। उसके बाद आउटपुट CGST अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस के एंड GST एंड स्टेट, अब सी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, एंड इसको भी हमने स्वीकार कर लिया। एंड आउटपुट SGST अंडर गोज टू ड्यूटी एंड टैक्सेस एंड GST एंड स्टेट, क्योंकि इससे पहले जब मैंने आउटपुट SGST जब बनाया मैंने इसको, तो इसको भी हम ड्यूटी एंड टैक्सेस दिखाएंगे, GST एंड स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स का ही स्वीकार कर लिया। इस तरीके से मेरे ये 6 लेज़र बन चुके हैं। अब 2 लेज़र और रह गए हैं कि जो GST का जो टैक्स हम लेते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है, तो हमने इसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम का CENTRAL सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम का हमने एक लेज़र बनाया, इसको हम सेंट्री कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं, मैं दिखाएंगे इसको। और स्टेट गवर्नमेंट STAT स्टेट गवर्नमेंट, इससे भी हम सेंट्री कैरेक्टर्स के
नाम का दिखाएंगे। सिंडिकेटर्स में क्यों दिखाएंगे? क्योंकि जो भी हम जीएसटी का पैसा लेते हैं वो हम गवर्नमेंट को पे करें, जिसको पे करना होता देना होता है वो सिंडिकेटर्स होता है, और जो पैसे हमको देते हैं वो सिंडी डेबिटर्स होता है। यहाँ पर उसको पे करना है गवर्नमेंट को तो सिंडिकेटर्स कहलाया जाएगा। तो हम बाहर निकलेंगे, मेरे सभी लेजर्स बन चुके हैं। उसके बाद इन्वेंट्री ऑप्शन में आते हैं, इतने इन्वेंट्री पहुँचे। हालांकि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहले कंपनी वन डे सिखाते हैं, फिर उसके बाद लेजर सिखाते हैं, फिर इन्वेंट्री के अलग भी चैप्टर्स बहुत सारे दे रखे हमारे पास में। देखिए हम यहाँ पर जीएसटी हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा हमारे सिर्फ जीएसटी के बारे में जिनको आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर डालिए तो मार्च वो उसको पूरा कर रहे हैं। इसको आप इन्वेंट्री वाले ऑप्शन में पहुँचे हम। इसके अंदर हम सबसे पहले जाते हैं यूनिट ऑफ मेजर। इसका हिंदी मतलब होता है नापने की इकाइयाँ। यूनिट माने होता है इकाई, ऑफ माने कापी को, एंड मेजर माने नापना, नापने की इकाइयाँ। इस पर मीटर मानेंगे। इसके अंदर केजी लिखेंगे यानी किलोग्राम्स। अगर आप चाहें तो किलोग्राम्स जो केजी लिखा है आपने, तो इसके अंदर ये पूरी विंडो विजार्ड सामने आ जाएगी जहाँ इसने किलोग्राम्स लिखा होगा, उस पर एंटर करके इसको स्वीकार कर लेगा। तो ये किलोग्राम्स नापने की इकाइयाँ में क्रिएट हो गया, बाहर निकल आएंगे। उसके बाद हम ग्रुप में गए। ग्रुप के अंदर क्या चीज़ किलोग्राम में मिल रहा है वो बताया जाएगा। मैंने एग्जाम्पल दिया अनाज, अनाज या पॉस्टर के बाद में जीएसटी डिटेल को यस कर दिया जाएगा। जब यस दबाएंगे और इसमें टैक्सेबल ऑप्शन लगा दिया जाएगा। इसके अंदर 18% दो भागों में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दे करके स्वीकार कर लिया जाएगा। तो ये हमारा अनाज बन चुका है। आप बचा कुछ हमारा इन्वेंट्री के अंदर आइटम होता है, तीन भागों में बताया गया है और इसको इंटर मारा मैंने क्रिएट कर लिया। यहाँ पहुँचने के बाद में हम यहाँ पर इसके उस आइटम को एक्सप्लेन करेंगे जो अनाज के हिस्से में सोर्स में आता है। जैसे लिखा मैंने अनाज से बना अरहर। अरहर हिस्सा होता है, ये लेजर खुल रहे हैं अनाज का, और ये मिलता है केजी में। इन्वेंट्री स्टेप्स को फॉलो की जाती है। ये हो गया। हमने अपने यहाँ फिरदौस कंप्यूटर में इन्वेंट्री का एक अलग चैप्टर भी रखा है। जब हम इस कोर्स करते हैं, कोर्स पढ़ते हैं, तो हम ये सभी चैप्टर्स को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डीपली समझाते हैं। कैसे इन्वेंट्री बनेगा, कैसे लेज़र बनेगा, इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है, समझने भी लगता है, और बच्चे इसको बाकायदा सारे रूल्स को समझते हैं। हम कॉमर्स के हैं तो उस कॉमर्स करके सभी रूल्स को समझाया जाता है हमारे यहाँ से। तो हम फिलहाल के लिए आपको सिर्फ GST ऑपरेट कर रहे हैं। इतना इन्वेंट्री बनने के बाद बाहर निकल आते हैं और हम इसके बाद अकाउंटिंग वाउचर के बाद यहाँ पहुँचते हैं और इंटर मारते हैं। अब जो मैंने लेज़र बनाए हैं और जो हमने इन्वेंट्री बनाई है, तो इसका हम लोग वाउचर के अंदर कैसे लिखा करते हैं वो सब बन जा रहे हैं। इसके लिए पहले हम कोई भी माल खरीद बेचने से पहले ख़रीदते हैं ताकि हमारे स्टॉक के अंदर आ जाए। तो हम ख़रीदने जा रहे हैं, पहले ने परचेज दबाया, जो हम ख़रीदते हैं कैश में ख़रीदा, परचेज किया अरहर। मेरे पास अभी अरहर का कोई रेशियो नहीं है, कोई भी हमारे पास केजी में कुछ दे रखा नहीं है। मान लीजिए मैंने 100 किलो अरहर लिया मैंने, और हमने 1 रुपये की दर से लिया है। हम ये समझाने को से ये ऐसा अमाउंट लिख रहे हैं। आज के दौर में इतना सस्ता तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम एक समझाने के लिए इतना कम अमाउंट दिखा रहे हैं कि 100 किलो लिया और 1 kg में, ताकि कैलकुलेशन करने में भी आसानी हो जाए, तो मेरे पास 100 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो मैं बोल ये रहा था कि मैंने अरहर ख़रीदा है 100 किलो 1 रुपये की दर से, तो मेरे 100 रुपये खर्च हो गए। अब ख़रीदते समय हम इस पर टैक्स देंगे, यानी इनपुट CGST, ये टैक्स दिया मैंने। तो 100 रुपये का अगर हम निकालेंगे 18% या 9% का निकालेंगे, क्योंकि आधा सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये 9% निकाला तो 100 रुपये का 9% बना 9 रुपये। तो ये इनपुट CGST बना, ये इनपुट SCGST, तो ये हमारे दो भागों में हमारा टैक्स बढ़ गया है, यानी अब 18% टैक्स हमारा बढ़ गया है। GST 100 रुपये की, अब ये 18% दो भागों में बढ़ गया, यानी 18 रुपये एक्स्ट्रा हमने पे करके उस वस्तु को ख़रीद लिया। ध्यान वहाँ पर रखने की बात ये आती है कि हम 100 किलो लाए थे 1 रुपीस में लाए थे, तो मेरे 100 रुपये खर्च हुए, और इसमें जो GST के नाम का रुपया दिया मैंने है वो 9 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। इतना आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे इसको बेचने जा रहे हैं, मैंने बेचा, हम आगे बढ़ रहे हैं, कैश में बेचा इसको मैंने, वहाँ भी बढ़ रहे हैं,
इस फॉर्म को भी भरवाते हैं क्या आप हमारे यहाँ जब लैब में बैठे होते हैं, इस फॉर्म में क्या लिखा होता है इसको भी समझाया जाता है, फिर आपके लिए आपको चीज़ें उसमें अपने मैटर पे आ रहे हैं भेजा मैंने, हम जिस इसको खरीद कर लाए थे यानी आज खरीद कर लाए थे या फिर शो कर रहा है कि आपके पास 100 किलो अगर है हम उसी को ही बेचेंगे, तो पास 100 किलो में से हमने 80 किलो अगर बेच दिया, ये भी ध्यान रखना है। हम कितने में लाए थे, हम तो लाए थे एक में, बेचा मैंने मान लीजिए 5 रुपये में। इस वक्त अगर देखा जाए ये 5 रुपये में जो बेच रहे हैं, तो जब प्रॉफिट की बात की जाए तो हर किलो पर हम 4 रुपये लाभ उठा रहे हैं। तो अगर हम इस समय प्रॉफिट की बात करें तो 4 का जो टेबल है वो 8 टाइम पढ़ना 8 को 32 320 रुपये प्रॉफिट इसमें शो हो रहा है। तो फिर प्रॉफिट की बात नहीं देखना, GST पड़ना है तो हमको इसको 5 में बेचा, इस पर हम आउटपुट SGST ऑप्शन लगाया इसके अंदर, तो 400 का हम जो है 9% निकालेंगे तो ये बनेगा 36 रुपये। एंड अगेन आउटपुट SGST इसको लगाया मैंने तो 400 का फिर से 9% यानी 18% टेस्ट देना होता है मुझे, तो ये 36 रुपये हमारे हो गए। इस पूरे को हमने स्वीकार कर लिया। अब हमको ये बोलना होता है कि अब उसको मिला क्या, तो इसको देखते ऐसे हैं कि हम पहले इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा ये चेक कर रहे हैं। तो हमने जो इससे कहा था 4 का पहाड़ा 8 अगर पढ़ेंगे 8 को 32 यानी 320 रुपये प्रॉफिट हमारा हो गया, ये शो कर रहा है। देखा स्टॉक कितना बचा है ये हम देख लें अपने पास में, स्टॉक बचा है मेरे पास में 20, क्योंकि मैंने 80 किलो सेल किया है और 20 किलो वापस अभी भी कोने में शो कर रहा है, तो इतना वापस स्टॉक 120 किलो से बचा हुआ रखा हुआ है। और अगर हम बाहर निकल आए आप बैलेंस शीट चेक करें तो इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस 320 रुपये है और साथ में करंट लायबिलिटी जो शो कर रहा है ये GST अमाउंट है, यानी ये जो अमाउंट है इसे ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को दो भागों में बांटेंगे। तो आपको इसको समझने के लिए जिससे सबसे पहले जो 54 रुपये हैं इसको आपको दो भागों में बांटना होगा। तो जो क्योंकि दो भागों में क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि एक को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है पैसा और एक को स्टेट गवर्नमेंट को देना है, तो अगर 54 को अगर दो भागों में बांटेंगे तो 27 रुपये इसका अमाउंट बैठेगा। 27 रुपये को हम ताकि लायबिलिटी हम इसको पे कर दें, इसका रिटर्न भर दें, तो रिटर्न भरने के लिए हम बाहर निकल आएंगे और सीधे वाउचर पर बचेंगे। देखिए इतना कंप्लीट हो गया था GST का मैटर कंप्लीट हो गया, लेकिन तभी हम ये आपको सिखा रहे हैं कि रिटर्न कैसे भरते हैं वो हम बता रहे हैं। तो रिटर्न भरने के लिए पहले हम फिर से वाउचर पहुँचेंगे, हमको 54 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है, इसके लिए पहले हम पेमेंट दबाएंगे, नकद भर रहे हैं अमाउंट इसका रिटर्न भरना, नकद सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने दिया, हमने इसके लिए अमाउंट 27 रुपये, क्योंकि 54 का आधा 27 रुपये होता है और ये हमने इसको स्वीकार कर लिया। अगेन स्टेट गवर्नमेंट को दिया हमने 27 रुपये, अब इसको जोड़ने पे 54 रुपये पूरे बन गए, यानी अब हमने इसको स्वीकार कर लिया। इसको बोलते हैं रिटर्न भरना। ये ऑनलाइन अगर चल रही होगी तो मेरा अमाउंट ये कट चुका होगा। अगर अब हम चेक करें इसको अपने बैलेंस शीट के अंदर, तो करंट लायबिलिटी वो हमारा ख़त्म हो चुका। करंट माने होता है वर्तमान और लायबिलिटी के माने होता है जिम्मेदारी, जो हमारा दायित्व था जिम्मेदारी थी वो हमारी ख़त्म हो गई। अब मेरे पास सिर्फ 320 रुपये प्रॉफिट के ही बचे हैं। तो इसके अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया, इसके अंदर कंपनी कैसे बनती है, फिर उसके बाद F11 दबाते हैं, उसके बाद फिर हमें लेजर बनाते हैं 8, उसके बाद हमने इन्वेंट्री बताया और फिर वाउचर बताया, और फिर उसके बाद जो इन्वेंट्री का प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो उसकी लायबिलिटी आती है, तो उसको लायबिलिटी को हम कैसे GST कैसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कैसे इसको पे किया उसके बारे में बताया। इसके बाद अब एक क्वेश्चन और भी बनता है कि बिल्स कैसे बनते हैं। बिल्स बनाना हम अगली वीडियोस में बताएंगे, क्योंकि वीडियोस लंबी हो रही है, हम लोग सबका भी ख्याल रखना है, इतनी बड़ी वीडियो भी समय में ना आए जो आपको ओवर लगे। तो अगली वीडियोस में इसको हैं कि बिल्स कैसे बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।